15 क्वेश्चन डिस्कस किए थे, उसको आप देख लेना, समझ लेना। ये जो क्वेश्चन है वो अक्सर डाउट में आता है, क्यों आता है, इसके पीछे रीजन क्या है। ये ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं है, बट इसको बहुत कम लोग करते हैं। ये कहता टू आइडेंटिकल चार्ज स्फीयर, मैं यहाँ आपको समझा दे रहा हूँ कि ये यहाँ पर एक पॉइंट है, इस पॉइंट से दो थ्रेड इस तरह से अटैच हैं और उनसे एक स्फीयर अटैच है। इस स्फीयर के पास कुछ चार्ज है यार, ये लेंथ एल है, इनके बीच का सेपरेशन डी है, डी इज वेरी वेरी लेस देन एल, मतलब डी बहुत ही छोटा है, बहुत छोटा मतलब ये एंगल छोटा होगा, जो वर्टिकल से एंगल है स्ट्रिंग का वो छोटा होगा। हुआ क्या कि ये दोनों एक दूसरे को रिपल तो कर रहे हैं, चलो रिपल करेंगे यार, अगर इस पे प्लस है तो इस पे प्लस है तो रिपल्सन होगा इलेक्ट्रोस्टैटिक। अब कुछ टाइम बाद इनमें जो चार्ज था वो लीक होने लगा, लीक मतलब कंटिन्यूस डिक्रीज होने लगा, कम होने लगा चार्ज, मतलब माइनस डी क्यू अपॉन डी टी। कुछ टाइम बाद जो चार्ज है वो कांस्टेंट रेट से, मान लो सी से, वो डिक्रीज होने लगा, बराबर है। तो ये जो स्पीयर है उस डिक्रीज होने की वजह से एक दूसरे को कांस्टेंट वेलोसिटी वी से अप्रोच करने लगे। अब जब अप्रोच कर रहे हैं तो किसी एज ए रिजल्ट स्पीयर मूव ईच अदर विद कांस्टेंट वेलोसिटी वी। तो कहता है वेलोसिटी पोजीशन एक्स से, जनरल पोजीशन एक्स से कैसे रिलेटेड है वो रिलेशन हमें निकालना है। तो चलो एक जनरल पोजीशन एक्स पे हम इसको सॉल्व कर लेते हैं। मान लो ये कभी वर्टिकल लाइन है, एक जनरल पोजीशन एक्स पे ये आ गए चार्ज, ये जो चार्ज है इनके बीच का डिस्टेंस एक्स है और ये लेंथ एल है, ये एंगल कुछ वर्टिकल का इस टाइम थीटा है, ध्यान रखना थीटा बहुत ही छोटा है, कितना छोटा, लेस देन 10 डिग्री। तो इसका मतलब ये होगा कि साइन थीटा बराबर होगा टेन थीटा के और ये सब बराबर होंगे थीटा के, जब मैं जरूरत पड़ेगा तो मैं यूज कर लूंगा ये। अब यहाँ जब है तो उसकी जो वेलोसिटी है वो भी इधर है और ये वेलोसिटी भी इधर है, बराबर है। तो अब कितने फोर्स लग रहे हैं इस पर, नंबर ऑफ फोर्सेस देखो, नंबर ऑफ फोर्स कितना लग रहा है भाई। ये वर्टिकल वाली लाइन है, इस पे यहाँ पे स्ट्रिंग इसको टेंशन लगाएगी, टेंशन स्ट्रिंग मास लेस है, इलेक्ट्रिकल रिपल्सन अभी भी कुछ चार्ज कम हो गया होगा, इधर लगेगा, अर्थ लगाएगी इस पे मास है एम जी लगाएगी, दीज आर द फोर्सेज। ये सभी फोर्सेज मिलके अभी भी इक्विलिब्रियम ही है, कांस्टेंट वेलोसिटी वी से जा रहा है, अप्रोच कर रहा है, एक्चुअली ये आर्क में मूव करेंगे बट ये एंगल बहुत ही छोटा है तो ये जो ऑलमोस्ट स्ट्रेट लाइन पाथ होगा। तो ये एंगल थीटा है तो ये भी थीटा हो गया, तो मैं टेंशन के दो कॉम्पोनेंट किया, टी कॉस थीटा मेरा ऊपर चला गया और टी साइन थीटा वेलोसिटी की डायरेक्शन में चला गया ये। अब इसको सॉल्व कर लेना है इक्विलिब्रियम कंडीशन लगा के, तो मैं यहाँ से लिखूँ तो टी साइन थीटा ने इलेक्ट्रिकल को बैलेंस किया होगा और इलेक्ट्रिकल की वैल्यू यहाँ पे डाल दूँ कूलम्स लॉ से, के क्यू अपान एक्स का स्क्वायर, बराबर है क्यू इस वक्त चार्ज है, इस वक्त चार्ज है। अब टी कॉस थीटा मैं एम जी के बराबर लिख दूँ, दिस इज द इक्वेशन नंबर फर्स्ट, दिस इज द इक्वेशन नंबर टू। अब मैं एक काम करूँ, फर्स्ट से सेकंड में डिवाइड कर दूं तो मुझे मिल जाएगा टैन थीटा की जो वैल्यू आ जाएगी वो आ जाएगा के क्यू स्क्वायर ओवर एम जी और एक्स स्क्वायर, दिस इज द टैन थीटा। अब हमें यहाँ से तो वेलोसिटी भी चाहिए यार, तो वेलोसिटी चाहिए तो एक काम करते हैं, इसको हमें डिफ्रेंशिएट करना पड़ेगा। टैन थीटा की वैल्यू यहाँ से मैं लिख सकता हूँ साइन थीटा, टैन थीटा साइन थीटा के इक्वल है क्योंकि एंगल छोटा है, तो जो साइन थीटा की वैल्यू इस ट्रायंगल से आ जाएगी वो आ जाएगी दिस इज द एक्स बाई टू। तो इस छोटे वाले ट्रायंगल में आ जाओ, ये जो अच्छा सा छोटा वाला ट्रायंगल है तो उसमें आ जाओ, तो साइन थीटा इज इक्वल टू एक्स बाई टू अपॉन एल, तो एक्स बाई टू अपॉन एल एंड देट इज ऑल्सो इक्वल टू टेन थीटा। तो ये वैल्यू मैं यहाँ पर यूज कर लूँ, तो ये x अपॉन 2l इज इक्वल टू के क्यू स्क्वायर ओवर एम जी एक्स का स्क्वायर। तो यहाँ से मुझे x और q में रिलेशन मिल जाएगा, बाकी सारे कांस्टेंट रहेंगे इस पूरे गेम में, जो भी मूवमेंट है। इसका मतलब ये हुआ कि x की पावर q, x पावर q इज प्रोपोर्शनल टू q का स्क्वायर, ये यहाँ से इसका मतलब ये हुआ कि q इज प्रोपोर्शनल टू x की पावर 3/2। ये हमें
मतलब क्यू और एक्स में रिलेशन है। अब यहाँ से चार्ज लीक हो रहा है, चार्ज लीक हो रहा है मतलब इसको मैं एक बार टाइम के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट कर दूँ, इसको अगर डिफ्रेंशिएट कर दूँ विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, टाइम के रिस्पेक्ट में मतलब डी क्यू अपॉन डी टी जो कि एक कॉन्स्टेंट है। अब इसको डिफ्रेंशिएशन करने के बाद प्रोपोर्शनलिटी, इसका डिफ्रेंशिएशन 3/2 और एक्स की पावर 3/2 माइनस 1 और यह आ जाएगा डी एक्स ओवर डी टी, एक्स का डिफरेंशिएशन, चेन रूल लगेगा। तो ये जो है वो डी क्यू अपन डी टी एक कॉन्स्टेंट है प्रोपोर्शनल टू 3/2 और ये माइनस आ जाएगा 2, इसको घटा दोगे तो रूट एक्स और व्हाट इज डी एक्स बाई डी टी, डी एक्स बाई डी टी इज द रेट ऑफ चेंज ऑफ पोजिशन दैट इज द वेलोसिटी। तो इस वेलोसिटी को मैं यहाँ डाल दूँ, यहाँ B और X रिलेट हो गए क्योंकि बाकी सारे कॉन्स्टेंट है। तो यहाँ जो ये वाली चीज़ है वो एक कॉन्स्टेंट है, ये भी कॉन्स्टेंट है, तो इसका मतलब ये हुआ कि B इज प्रोपोर्शनल टू 1/√x। ये हमें क्या चाहिए, हम लोग को चाहिए था किसकी पावर चाहिए था, यहाँ से देख लो, हाँ भी चाहिए था। तो यहाँ से मैं इसको लिख सकता हूँ, यहाँ से मैं लिख सकता हूँ कि b इज प्रोपोर्शनल टू x की पावर -1/2, दैट इज ए ऑप्शन सही है ना, समझ।